मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को असीम विस्तार दिया, लेकिन जैसे ही दुनिया से फारिग हुए मुगलों की शान और शौकत को भी अपने साथ ही ले गए। जैसे औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत का पतन क्यों हुआ, यूपीएससी के सवाल पर पोथी भर जवाब लिखा जा सकता है, आपको बताया जा सकता है। मुगल सल्तनत के दौर में हिंदुस्तानी संगीत पर शोध करने वाली कैथरीन ब्राउन मानती हैं कि इस सवाल के उत्तर में एक जवाब हो सकता है, औरंगजेब का संगीत पर पाबंदी लगाना। अकबर हो या शाहजहां, औरंगजेब से पहले मुगल दौर में कला का बड़ा सम्मान हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब के आते ही सब कुछ बदल गया। इसका कारण था दारा शिकोह से दुश्मनी। दारा शिकोह की उदारवादी सोच को प्रोपेगेंडा बनाकर उन्होंने कट्टर मुस्लिम धड़े को अपने साथ किया था और उन्हीं के बल पर सत्ता पर काबिज भी हुए। इसलिए बादशाह बनते ही उन्होंने इस्लामी तौर तरीकों के पालन पर सख्ती लगानी शुरू कर दी, या यूं कहें कि जो उनका इंटरप्रिटेशन था इस्लाम का उसी को प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया, जबकि भारत में उदारवादी परंपराएं थी इस्लाम में भी। साल 1668 में एक फरमान जारी करते हुए गीत संगीत नाच गाने पर बैन लगा दिया गया। इतालवी पर्यटक निकोलाओ मनुची ने अपने यात्रा संस्मरण में इस दौर का एक रोचक किस्सा बयान किया है। अब हुआ यूं कि औरंगजेब के फरमान से दिल्ली में कलाकारों के भूखे मरने की नौबत आ गई। जो भी गीत संगीत में लिप्त पाया जाता उसे गिरफ्तार कर लिया जाता और गाजे बाजे सब तोड़ फोड़ डाले जाते। कलाकारों के पास जब रोजी का कोई जरिया नहीं बचा तो उन्होंने मिलकर एक रास्ता निकाला। एक जुमे के रोज जब औरंगजेब जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे, हजार कलाकारों का एक काफिला वहां से गुजरने लगा। ये सब अपने सिर पर ढोल बाजे लिए हुए थे। बादशाह ने देखा तो पूछा कि ये सब चल क्या रहा है। रोते पीटते लोगों ने बताया कि बादशाह के आदेश से संगीत की मौत हो गई, बस अब जनाजा निकालकर दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने कुछ देर रुक कर जवाब दिया, कब्र जरा गहरी खोदना। आज आपको कहानी सुनाएंगे कि कैसे औरंगजेब की मौत के 15 साल बाद गाजे बाजे कब्र से जिंदा होकर बाहर आए और एक बार दोबारा दिल्ली की महफिलों की रौनक बने। ये हिमाकत करने वाला मुगल बादशाह कौन था और क्यों इस बादशाह को अपनी मर्दानगी का सबूत भी देना पड़ा, जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। Brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. आगे बढ़ने से पहले एक सूचना देते चलें। इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियों में अगर आपकी दिलचस्पी है तो किताब के बारे में आपको जानना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस नाम की ऑडियो बुक यानी कि बोलती किताब आपको मिल जाएगी द कुकू FM पर। साथ ही कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं और पहले 500 लकी लोगों में होते हैं तो 50% की छूट पा सकते हैं। और इसके लिए आपको डालना होगा एक कोड और वो कोड है LT50। चलिए अब आज के किस्से पे चलते हैं। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई। अगले कुछ सालों में दिल्ली में बादशाह मक्खियों की तरह टपके और फिर 27 सितंबर 1719 को तख्त नशी हुए रोशन अख्तर उर्फ मोहम्मद शाह, जो मुगलिया वंश के 13वें नंबर के बादशाह थे। 16 साल की उम्र में सैयद भाइयों की मदद से उन्होंने तख्त हासिल किया और फिर असफ जाह की मदद से उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। इन मोहम्मद शाह के आते दिल्ली में बाहर एक बार फिर लौट आई। औरंगजेब के जमाने में बंद हुए गाजे बाजे फिर ताल बिठाने लगे। मोहम्मद शाह की सीमा विस्तार में कोई रुचि नहीं थी। उनके दौर में मराठाओं ने दिल्ली पर हमला किया लेकिन उन्होंने फिर भी जंग में हिस्सा नहीं लिया और अपने नवाबों को जंग के लिए भेजते रहे। उन्होंने कला और संगीत को जमकर बढ़ावा दिया और कलाकारों की पौबारा होने लगी एक बार फिर। इसी दौर में कव्वाली और गजलों का दौर भी शुरू हुआ। मोहम्मद शाह ने उर्दू से प्रभावित होकर उसे राज दरबार की भाषा भी बनाया, तब फारसी थी। उर्दू दरअसल तब लश्करी जबान के नाम पर जानी जाती थी, लश्कर यानी फौज या सैनिक कैंप्स, पीजेंट्स बेसिकली, जो छोटे लोग इस्तेमाल करते हैं वो भाषा। उर्दू का जन्म इन्हीं लश्करों में हुआ। तुर्क, अफगान, राजपूत और मुगल सैनिक फौज में शामिल थे और इन्हीं लोगों के बीच अलग अलग भाषाओं के मेल से बनी उर्दू। इसमें अरबी, फारसी, अफगानी, तुर्की और यूनानी समेत तमाम भाषाओं के शब्द शामिल हुए। उर्दू बोलने में कमोबेश आसान थी, इसलिए कुलीन वर्ग के लोग उर्दू बोलने वालों को अपने से नीचे समझते थे। सैनिक शिविरों से निकलकर उर्दू धीरे धीरे आम लोगों की भाषा हुई। उर्दू और हिंदी के मेल को हिंदवी या हिंदुस्तानी कहा जाता था और नए प्रकार के कवि इसी में लिखने भी लगे। इन्हें कहा गया शायर। मोहम्मद शाह के दौर में इन शायरों को खूब सम्मान मिला और दिल्ली दरबार में मुशायरों के दौर चलने लगे। यहाँ तक कि खुद बादशाह भी शायरी करने लगे और उन्होंने अपना तखल्लुस सदा रंगीला रख लिया। रियाया ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और तब से उन्हें इसी नाम से जाना गया। रंगीला नाम सुनते ही लगता है जैसे किसी रंगीन मिजाज आदमी के लिए कहा गया हो, और मोहम्मद शाह ने भी इसी नाम को सादिक करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। उन्होंने किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया बल्कि उनका सारा दिन मुर्गे लड़ाने, बाजागरी, जादू ये सब देखने में गुजरता था।
रातें और भी रंगीन होती। बादशाह को एक अनोखा शौक यह भी था कि उन्हें औरतों के कपड़े पहनना पसंद था। वो दरबार में अक्सर जनाना लिबास पहनकर जाते और इसी के चलते उनके नामर्द होने की अफवाह फैल गई। मजबूरन उन्हें मर्दानगी साबित करने के लिए एक पेंटिंग बनवानी पड़ी जिसमें उन्हें कनीज के साथ यौन संबंध बनाते हुए देखा गया था, दिखाया गया था। मोहम्मद शाह रंगीला को यूं तो एक कमजोर बादशाह माना जाता है, लेकिन उनके दौर में दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और इसके ऐश्वर्य की ख्याति देश विदेश तक फैली थी। दरगाह कुली खान उनके एक दरबारी थे जिन्होंने मरकए दिल्ली नाम से किताब लिखी। किताब के अनुसार दिल्ली के आम लोग भी तब ऐश से रहते थे। इसी दौर में दिल्ली में कहवा खाना यानी कॉफी हाउस का चलन शुरू हुआ जहां बैठकर लोग शायरी और कवाली सुनते। इसी दौर में दिल्ली के अमीरों ने अपने पहनावे में भी बदलाव किया और तुर्क चोगे की बजाय शेरवानी पहनने का चलन शुरू हुआ। इसके अलावा मोहम्मद शाह के दौर में एक बड़ा बदलाव आया हिंदुस्तानी संगीत में। कुली खान ने आधा रंग और सादा रंग नाम के दो गायकों का जिक्र किया है जिन्होंने ख्याल गायकी की शुरुआत की। इससे पहले दिल्ली में ध्रुपद गाया जाता था। कुली खान लिखते हैं, खुदा रंग के नाखून जैसे ही सांस के तारों को छूते हैं दिलों में एक हूक से उठती है और उसकी आवाज़ मानो अपने साथ बदन से जान लेकर चली जाती है। अब तक हमने आपको बताया कि बादशाह रंगीला रंगीनियों में व्यस्त रहते थे, लेकिन अंत में एक ऐसा दौर भी आया जब रंगीला को अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ा। 1738 की बात है, एक रोज़ बादशाह अपनी आरामगाह में पसरे हुए थे। शराब और नाच का दौर चल रहा था, शौकीन आदमी थे। अचानक एक हरकारा दौड़ता हुआ आया और बादशाह को एक चिट्ठी पकड़ाई गई। बेहद ज़रूरी संदेश ली हुई इस चिट्ठी को बादशाह ने पकड़ा और शराब के प्याले में डुबोते हुए अर्ज़ किया, आईन दफ्तार बेमाना घर के मैं ना बोला। यानी बिना मतलब की चिट्ठी को तो नीट दारू में डुबो देना ही बेहतर है, बिना पानी वाली। ये देखकर हरकारे के पसीने छूटने लगे। उसने दरखास्त की, हुजूर नादिर शाह पहुंचने वाला है। रंगीला के कान में जू तक नहीं रहेंगी। बोतल से प्याले में शराब उड़ेलते हुए बोले, हुनूस दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली तो बहुत दूर है। लेकिन न दिल्ली दूर थी ना नादिर शाह की फौज। अब सवाल यह कि नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला क्यों किया। दो कारण। पहला तो यही कि उसे पता था कि मुगलों ने दौलत दिल्ली पर रंगीला बैठा रखा है जो लड़ने में कच्चा था। दूसरा कारण पॉलिटिकल था। हुआ यूं कि 1738 आते आते नादिर शाह ने ऑटोमन साम्राज्य को हराकर पारस पर अपना राज मजबूत कर लिया था। ऑटोमन तुर्क जिनको आप कहते हैं टर्की। इसके बाद उसकी नजर पड़ी कंधार पर जहां कुछ कबीले विद्रोह में सिर उठाने लगे थे। कंधार पर हमला करने से पहले नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को एक पैगाम भेजा जिसमें लिखा था कि कंधार से कबीले वाले भागकर मुगल टेरिटरी में शरण लेने आए हैं, तुम्हें ऐसा होने से रोकना है। मोहम्मद शाह ने कब किसी की सुनी थी जो अब सुनता। उसने कोई ध्यान नहीं दिया और फिर वही हुआ जैसे नादिर शाह ने कहा था, काबुली वालों ने मुगल बॉर्डर में शरण ले ली। नादिर शाह ने एक और अल्टीमेटम भेजकर कहा कि उन्हें हमारे हवाले करो। रंगीला बादशाह फिर भी नहीं चेता। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर कूच का इरादा कर लिया और काबुल, जलालाबाद, पेशावर और लाहौर को नेस्तो नाबूद करता हुआ दिल्ली की सरहद तक आ गया। तब मुगल कमांडर भागता हुआ मोहम्मद शाह के पास पहुंचा और बोला कि हुजूर, दिल्ली के बाहर फौज का समंदर खड़ा हुआ है, 2 मील चौड़ाई और 6 मील तक सैनिक ही सैनिक नजर आते हैं। नादिर शाह ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर वहीं डेरा डाला। हफ्ते भर में मुगल कैंप में रसद खत्म होने लगी। तब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बातचीत के लिए न्योता भेजा। मोहम्मद शाह पहुंच भी गए सिर्फ चंद बॉडीगार्ड्स के साथ और नादिर शाह ने उन्हें कैद कर लिया। इसके 2 दिन बाद दोनों सुल्तान साथ साथ दिल्ली में दाखिल हुए। नादिर शाह को बादशाह के आरामगाह में रुकवाया गया जबकि मोहम्मद शाह खुद जनाना क्वार्टर में शिफ्ट हुए। दिल्ली बेवा हो चुकी थी, बस जनाजा निकलना बाकी था, वो भी जल्द ही निकला। नादिर शाह के 40,000 सैनिक शहर में दाखिल हो गए। लोग बढ़े तो अनाज के दाम भी बढ़ गए। इस चक्कर में पहाड़गंज में एक रोज़ नादिर शाह के सैनिकों की एक दुकानदार से बहस हुई जिसके बाद दंगा शुरू हुआ। जल्द ही अफवाह फैल गई कि नादिर शाह को एक जनाना गार्ड ने कत्ल कर दिया। भीड़ ने पारस के सैनिकों पर हमला बोल दिया और दोपहर तक 900 सैनिक मारे गए। जब नादिर शाह को यह खबर मिली तो उसने कत्लेआम का आदेश दिया। अगली सुबह वो लाल किले से अपने घोड़े पर बैठकर शहर के मुआयने के लिए निकला और चांदनी चौक से करीब आधा मील दूर रोशन उद्दौला की मस्जिद पर जाकर खड़ा हुआ ताकि एक ऊंची जगह से ठीक से शहर का मंजर देख सके। सुबह 9 बजे कार्रवाई शुरू हुई और कुछ ही देर में दरीबा, चांदनी चौक और जामा मस्जिद के पास ही गलियां खून में नहा गई। अगले कुछ दिनों तक वो कत्लेआम मचा कि दिल्ली की 30,000 जनता को गाजर मूली की तरह काट डाला गया। दक्कन में निजाम उल मुल्क को खबर लगी तो उन्होंने अवध के नवाब सदात खान से कहा कि किसी तरह इस मारकाट को रुकवाइए। सादत खान ने निजाम को झिड़क कर अपने कैंप से बाहर निकाल दिया और उसी शाम जहर खाकर अपनी जान दी।
इसके बाद निजाम खुद हाथ पांव जोड़कर नादिर शाह के पास पहुंचे और जनता को बख्श देने की भीख मांगी। नादिर शाह तैयार हुआ, लेकिन उसने निजाम से कहा कि इसके बदले उसे 100 करोड़ चुकता करने होंगे। कब के 100 करोड़ हैं सोचिए। मरता कहना करता अगले कुछ दिनों में निजाम ने दिल्ली को लूटा और उससे 100 करोड़ जमा किए। 348 साल में जमा की गई मुगल दौलत एक झटके में इस हाथ से उस हाथ हुई। करोड़ों के हीरे जवाहरात सोना चांदी इतना सब कुछ लूटा गया कि नादिर शाह के मुंशी पूरी तरह हिसाब कर ही नहीं पाए। सब कुछ ले चुकने के बाद भी नादिर शाह का मन नहीं भरा। आखिर में उसने मुगल दरबार की शान तख्त ताऊस को उठाया और वापस लौट गया। तख्त ताऊस में जड़े कोहिनूर और तैमूरिया माणिक भी उसके साथ ही चले गए और साथ ही चला गया मुगल सल्तनत का सारा वैभव और धन धान्य। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का क्या हुआ? बादशाह ने एक और जंग देखी। 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने मुगल रियासत पर हमला किया। इसमें मुगल सेना को जीत मिली, लेकिन उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस जंग में बादशाह का एक चहेता कमांडर कमरुद्दीन भी मारा गया। इस खबर से मोहम्मद शाह को ऐसा शॉक लगा कि अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और 26 अप्रैल 1748 को दुनिया से रुखसत हो गए। इसी के साथ आज का तारीख भी यहीं पर समाप्त होता है। कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसा लगा। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।